हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करबी प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर परिवेश विज्ञान कंपलसरी सब्जेक्ट। ऑलरेडी मु प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर थारु सिक्स सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री अनुसार समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। ता सहित मु कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्ये आलोचना करी, जेहेतु पूर्वर मु परिवेश विज्ञान आलोचना करी किंतु सही आईबीडीटा एत सर्ट क्वेश्चन एवं लंग क्वेश्चन नाला। यहाँ जेहेतु गोटे नुआ आईबीडी तेणुक बहुत सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन देखिए, तेणु मुझ पुणी थे आलोचना करुच्ची। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु यूनिट टू परिसंस्थीय जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर वन, ड्यास मसीह कायरे ठारे जनसंख्या और विकास संपर्क एक आंतर्जातिक सम्मेलन अनुष्ठित होता 1994। जनसंख्या दृष्टिकोण रु भारत राज्य और केन्द्रशासित अंचल मध्य ओडिशार स्थान ड्यास एकादश। 1994 मसीह ड्यास ठारे आंतर्जातिक सम्मेलन अनुष्ठित होता कायर। जनसंख्या वृद्धि और तत्जनित प्रभाव संपर्क ड्यास ग्रीसवासी को सतर्क कराइले अरिस्टोटल। ड्यास जनसंख्या नीतिर आवश्यकता संपर्क जुक्त बाढ़ी आल्वा मिडाल। आल्वा मिडाल रचित पुस्तक नाम जाति और परिवार। ड्यास मसीहा को महान विभाजन वर्ष बोली कहा जाए 1921। सहरर केतेकांशरे झुंपुड़ी किंबा कोड़िया मानंकर पूंजी को ड्यास कहा जाए बस्ती। समाजर गठन व संरचना सेतेबेले हेला जेतेबेले मनीष समूह रहिबा द्वारा ड्यास हासिल करिबा कथा आविष्कार कला निरापत्ता। मनीष ड्यास संस्कृति को त्याग कले एवं मानव बसती निर्माण कले शिकार करिबा त्याग करे और संग्रह करिबा। ग्रामर युवक मानंको सहर मानंको स्थानांतरण हेबा पई ड्यास बाध्य करिथाए सुजोगर अभाव। सहरी बसतीर संज्ञा निरूपण कर सहर एवं नगर मानंकर बास करिथाए थांते। जे कोनोसी तीनोटी कारक विषयरे लेखक जहा द्वारा गाँवर युवक मैंने सहर किंबा नगर को प्रवास करने बाध्य दारिद्र्य निरक्षरता कर्म निजुक्तिर सुजोग सामाजिक सुविधा। सहरी बसतीर जेकोसी तीनोटी विषय विशेष लक्षण तालिका कर। सामाजिक विषमता, सामाजिक नियंत्रण अभाव, स्वेच्छाचारी संगठन, व्यक्तिवाद। ग्रामीण बसती कौन ग्राम गुड़िकर बास करती। ग्रामीण लोक मैंने दारिद्र्यरे काहीं पीड़ित होता। निरक्षरता काम करिबार सुजोगर अभाव। कृषि एकमात्र व्यवसाय। ग्रामीण लोके सामाजिक रूपे अधिक समाज जातीय होती काहीं भाषा जाति प्रथा समान व्यवसाय सम जीवन शैली द्वारा एकत्र बंधा होता। बस्ती कहले कौन बुझ। सहरर केतेकांशरे झुंपुड़ी किंबा कुड़िया मानंकर पुंज। भारत रे जनसंख्या वृद्धि रो जैविक कारण कौन जन्महार वृद्धि मृत्युहार इत्यादि यही कारण अंतर्भुक्त। जनसंख्या वृद्धि और तत्जनित प्रभाव संपर्क किए केवे ग्रीसवासी को सतर्क कराइले। ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी में ग्रीस्र जनसंख्या अपेक्षाकृत भाव अधिक बढ़ुवा हेतु जनसंख्यार वृद्धि और तत्जनित प्रभाव संपर्क आरिस्टोटल ग्रीसवासी को सतर्क कराइले। किए और केवे जनसंख्या नीतिर आवश्यकता संपर्क जुक्त बाढ़ी 1941 मसीह आल्वा मिडाल तांको रचित
रचित पुस्तक जातीय परिवार रे जनसंख्या संपर्क रे युक्तराष्ट्र अमेरिका निमंते एक जनसंख्या नीतिर आवश्यकता संपर्क रे जुक्ति बाढ़िले केबे ओ केउठारे जनसंख्या विकास संपर्क एक आंतर्जातिक सम्मेलनी अनुष्ठित होइतिला 1994 मसीह रे कायरो ठारे जनसंख्या ओ विकास संपर्क एक आंतर्जातिक सम्मेलनी अनुष्ठित होइतिला 2001 मसीह जनगणना अनुसार भारतर जनसंख्या केते थिला ओ वर्तमान एहा हाराहारी केते 2001 मसीह जनगणना अनुसार देशर जनसंख्या 102,70,15,247 थिला ओ वर्तमान भारतर जनसंख्या 120 कोटी रु अधिक भारतर जन वितरण संबंधी इतिहास को केतटी पर्यायर विभक्त करा जाइछ कौन कौन भारतर जन वितरण संबंधी इतिहास को 3 पर्याय बा समय विभक्त करा जाइछ से गुड़ी कहला निश्चल जनसंख्या क्रमवर्धिष्णु जनसंख्या ओ क्षिप्त वर्धिष्णु जनसंख्या महान विभाजन वर्ष कहा को कहा जाए 1921 मसीह पूर्वर भारतर जनसंख्या वृद्धि अत्यंत मंथर थिला किंतु 1921 मसीह ठारु भारतर जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि पाइबा को आरंभ कला तेणु 1921 मसीह रु महान विभाजन वर्ष बोले कहा जाए विकासशील देश कहा को कहंती उदाहरण सहलेख चीन भारत पाकिस्तान म्यांमार चिली फेरु आदि राष्ट्र समूह विकास पथरे आगे चलिथिबा हेतु सही सबु देश समूह को विकासशील देश बोली कहा जाए सहरांचल किपर सृष्टि होइथाय स्वल्प समय मध्यरे अधिकरु अधिक आवश्यक उपकरण जगाई देबा लक्ष्य रे तथा रोजगार पाई अधिक सुजोग सृष्टि निमन्ते कलकारखाना स्थापित हेबा परे जीविका उद्देश्य रे शिल्प संस्थार चारिपटे ओ नूतन भावे जेउ सबु घन जनबसति गढ़ी उठिबा फलरे सहरांचल सृष्टि होइथाय ग्राम्य समाज किपरि सृष्टि होइथाय सरल जीवन जापन तथा सुसंहति संगठन ग्राम्य समाजर अभिलक्षण अटे पारंपरिक भावे साधारण ग्रामवासी माने आर्थिक दृष्टि रु दुर्बल तथा कौशल एवं दक्षता विशेषज्ञतारे अपकृष्ट होइथिबारु आधुनिक सभ्यता सहरी सभ्यता को ग्राम्य समाज तुलना रे उत्कृष्टतर बोली विवेचना करिथाए ग्रामीण समाज रे जनसंख्या रे घनत्व कम होइथाए एवं सीमित सुजोग थाए ग्राम्य समुदायर लक्षण गुड़िक कौन ग्राम्य समुदाय रे थिबा लक्षण गुड़िक हला कृषि प्रधान व्यवसाय संपृक्त परिवार प्रणाली जाति प्रथा जज्यमानी प्रथा जातीय सामाजिक जनसंख्या भित्तिक लक्ष्य गुड़िक कौन क मौलिक प्रयोजन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा जगाइबा एवं भित्तिभूमि क्षेत्र रे रहिबा अभाव को मेंटाइबा ख 14 वर्ष पर्यंत मुक्त ओ बाध्यतामूलक विद्यालय शिक्षा देबा उभय बालक ओ बालिका मानक क्षेत्र रे प्राथमिक ओ माध्यमिक शिक्षा स्तर रे विद्यालय रु पाठपढ़ा छाड़ी चली जाइथिबा पिला मानकर संख्या को शतकड़ा 20 भाग को कम करबा दारिद्र्य किपरि जनसंख्या रे वृद्धि घटाई थाए दुर्बल अर्थनैतिक परिस्थितिर सम्मुखीन हेबा पई जणे दरिद्र व्यक्ति निजर पारिवारिक आय वृद्धि करबा उद्देश्य रे संतान चाहिथांते बा चाहिथाए कारण से भाबे जे जेतेबेले जेते पिला हेबे सेते आय बढ़िबो तेणु अधिक संतान ओ अधिक आय मनोभाव जनसंख्या वृद्धि घटाए सहरर जीवनधारा विपर्यय हेबार कारण कौन बासगृह व्यवहृत कंक्रीट और सीमेंट रास्तार व्यवहृत पिचु और कंक्रीट
ଗଛଲତାର ଅଭାବ, ଯୋଜନାହୀନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଏହାର କଣ୍ଡିସନର ଆଦି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସହରର ଜୀବନଧାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସହରର ଜୀବନଧାରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାସଗୃହରେ ବ୍ୟବହୃତ କଂକ୍ରିଟ ଓ ସିମେଣ୍ଟ, ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିଚୁ ଓ କଂକ୍ରିଟ, ଗଛଲତାର ଅଭାବ, ଜନହୀନ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଏହାର କଣ୍ଡିସନର ଆଦିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ଯାନବାହନର ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସହରର ଜୀବନଧାରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଯେ ଆକୃତି ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜନସଂଖ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁହାର, ଘନତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଦି ଏକ ଗ୍ରାଫ ଅଙ୍କାଯାଏ, ତାହା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଜେ ପରି ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ଜେ ଆକୃତି ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଏକାଦଶ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଏକାଦଶ। 1961 ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଆସୁଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏକ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଏସିଆ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। 2, ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 3/5 ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମୁଦାୟ ସ୍ଥଳଭାବର 1/3। 1994 କାଏରୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? 1994 କାଏରୋଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ନିର୍ଯାସ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଇ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ଲାଗି ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଗ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। 8, ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। କ, ମୌଳିକ ପ୍ରଯୋଜନ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଖ, 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶତକଡ଼ା 20% କମ୍ କରିବା, ପ୍ରତି 1000 ଜଣ ଜୀବିତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 30% କମ୍ କରିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦେବା, ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ 18 ପରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରସବ କରାଇବା। 9, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମାଜିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ, ବିବାହର ସାର୍ବଜନୀନତା। ଭାରତରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଓ
सामाजिक आवश्यकता तेणु बिवाह होची एक बाध्यतामूलक कार्य। ख आंचलिक बिवाह आम देश में बाल्य बिवाह प्रथा प्रचलित थिला। एही प्रथा विलोप साधन होइथिले मध्ये महिला माने कम बयस बिवाह करथिले बा करंती। ग विधवा बिवाह पूर्वे भारत रे विधवा बिवाह को निषेध करा जाइथिला। ब्रिटिश शासन समय रे सतीदाह प्रथा उच्छेद सहित विधवा बिवाह को स्वीकृति मिलिला। सही समय ठारो देश रे ब्रिटिश शासन समय रे सतीदाह प्रथार उच्छेद सहित विधवा बिवाह को स्वीकृति मिलिला। घ पुत्र संतानर आवश्यकता भारतीय समाज रे उभय सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण रु पुत्र जन्म उपरे गुरुत्व दिया जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 10 ग्राम्य बसतीर अभिलक्षण गुड़िक कौन। ग्राम्य समुदाय रे थिबा अभिलक्षण गुड़िक हैला एक कृषि प्रधान व्यवसाय होइथाय एपरिकी जेऊ माने प्रत्यक्ष रूपे जमी रे काम करूथांती सेमानंक व्यवसाय परोक्ष भावे कृषि सह संपृक्त होइथाय। दुई संपृक्त परिवारर प्रणाली संयुक्त परिवारर एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान जहाँ सहर अपेक्षा ग्रामीण समुदाय रे साधारणतः अधिक देखा मिलता है। तीन जाति प्रथा जाति उपरे आधारित सामाजिक स्थिरीकरण गाँ मानकर अधिक देखा मिलता है। चार जज मानी प्रथा प्रत्येक ग्राम्य जज मानी एवं सेवा प्रदानकारी जाति जहाँ को नगर नगद अर्थ किंबा वस्तु रूपे पारितोषित दिया जाए थाए से समा समूहीकृत होइथाए। नेक्स्ट ग्रामीण कैलेंडर भारत रे ग्राम गुड़िकर लोक भारतीय सम्मत एही हिजरी कैलेंडर को मानि थांती। चतुर्थ अध्याय रोग संक्रमण रक्त सह किंबा रक्त बिना तरल झाड़ा मलरे श्लेषा ज्वर तथा तली पेटरे जंत्रणा एसबू ड्यास जलवाहित रोग बीजाणिक आमाशय ग्यास उद्योग गुड़िकर दुर्गंध ग्यास मचित होइथाय। चीनिकल एवं चर्म सद्धक उद्योग पत्थर खादान एवं लुहा पत्थर खणीरु ग्यास वायु प्रदूषक मचित होइथाय। निलंबित कणिकीय पदार्थ पारद विष भळी कार्य करुथिबा संरचना बा रूपर नाम ग्यास मिथाइल पारद। रोगवाहक द्वारा संरचित होउथिबा रोगर नाम मलेरिया पित्त ज्वर इत्यादि। नील शिशु रोग रो कारण ग्यास भूतल जल रे नाइट्रेट गुड़िकर स्तर अधिक हेबा। रदी बैटरी परिवेश रे ग्यास धातु छाड़ी थाए सीसा। स्वास्थ्यर संज्ञा कौन जड़े व्यक्ति उपरे पड़ुतिबा असंख्य प्रभाव गुड़िकर पारस्परिक क्रिया परिणति से ही व्यक्तिर स्वास्थ्य होइथे। समुदाय को पानीय जल उपलब्ध करिबा द्वारा कौन लाभ होइथे जलवाहित रोग गुड़िक प्रसार प्रसारण निवारण पाई। बस्ती कौन बस्ती होउछि परस्पर लगालगी होई गढ़ी उठीतिबा झुंपुड़ी बा कुड़िया मानंकर समावेश जेउठी रास्ता नर्दमा इत्यादि पाई कौनसी जगा न थाए। गाँ मानंकर स्वास्थ्य समस्यार दुईटी कारण लेख निरापद पानीय जल जोगाणर अभाव मलर अनुपयुक्त स्थानांतरीकरण बा विसर्जन उच्च शिशु मृत्यु हार रोगवाहक द्वारा संरचित होउथिबा गोटिए रोगर उदाहरण दियो मलेरिया पित्त ज्वर।
रक्त सह किंबा रक्त बिना तरल झाड़ा मलरे श्लेषा ज्वर तथा तलीपेटर जंत्रणा एसबु गोटे जलवाहित रोगर लक्षण से ही रोगर नाम लेख बीजाणिक अमाशय क्यों क्यों उद्योग गुड़िकर दुर्गंधमय गैस मचित होता है चीनिकल एवं चर्म शोधक उद्योग पथर खादान एवं लुहापथर खणी क्यों वायु प्रदूषण मचित होता है निलंबित कणिकीय पदार्थ कृषि क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषण गुड़िकर तालिका प्रस्तुत कर आमोनिया कीटनाशक धूआ तथा जलवायु बाष्प चर्म कर्कट को न्यून करने की पदक्षेप निपे हाथ गोड़ को पोशाक द्वारा आच्छादन प्रशस्त धाराजुक्त खरा चशमा खराब चशमार व्यवहार करने नील शिशु रोगर कारण कौन भूतल जल रे नाइट्रेट गुड़िकर स्तर अधिक हेबा पारद विष भली कार्य करुथिबा संरचना बा रूपर नाम लेख मिथाइल पारद जैविक रासायनिक जलर रोग किपरि होइथाय दुईटी बा तीनटी वाक्य रे जैविक जल रोग दूषित जल रे थिबा जीवाणु भूताणु आदि प्राणी परजीवी ओ नेली इत्यादि द्वारा होइथाय दूषित जल रे मिसि रहिथिबा विभिन्न रासायनिक पदार्थ जथा डिटर्जेंट खनिज लवण धातु साइनाइड कृषि रासायन और शिल्पर निर्गत आवर्जना जगू रासायनिक जल रोग होता है वायुवाहित रोग किपर होता है प्रदूषित वायु रे सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड जहाँ उद्भिद प्राणी और मनुष्यर स्वास्थ्य को नष्ट करे जीववाहित रोग निराकरण पाई दुईटी पदक्षेप लेख एक मशामाछी और मूषा मानकर वंशवृद्धि रखा दरकार दुई मशा मानंकु मारिबा पाई रासायनिक कीटनाशक प्रयोग करिबा उचित खाद्य वाहित रोगर तीनोटी कारण लेख एक खाद्य रे थिबा विषाक्त अणुजीव दुई खाद्य रे मिलिथिबा विषाक्त रासायनिक पदार्थ तीन विषाक्त उद्भिद और प्राणी संक्रामक रोग किपरि नियंत्रण करा जिबा आवश्यक संक्रामक रोग निरूपण करा जिबा एकांत आवश्यक यथाशीघ्र रोग निरूपण करी विभिन्न प्रतिषेधक उपाय अवलंबन करा जाए रोग को नियंत्रण करिबा आवश्यक परिवेश परिच्छन्नतार आवश्यकता लेख परिवेश परिच्छन्नता रोग प्रतिषेधक निमन्ते एकांत आवश्यक गृहर भीतर एवं बाहर परिवेश परिष्कार परिच्छन्न करागले रोग हेबार संभावना ह्रास पाइथाए अळिया आवर्जना संत संतिया स्थान आदि निराकरण द्वारा मशा माछी आदि रोगवाहक मानक ठार रक्षा मिलिथाए आजर आलोचना ये समाप्त करुच्छे परवर्ती वीडियो रे अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करी नमस्ते।